आज की रेसिपी में मैं आपको ग्रीन चटनी बनाना सिखाऊंगी। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी ग्रीन चटनी अगले दिन काली पड़ जाती है, तो मैं जो आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, एक सीक्रेट तरीके से हरी चटनी बनाना सिखाऊंगी, उससे आपकी चटनी काली नहीं पड़ेगी, एकदम कलर भी बहुत सुंदर आएगा। तो ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रेश कोरिएंडर, जिसको मैंने साफ़ करके भिगो लिया है, 4 से 5 हरी मिर्च, अदरक, अमचूर पाउडर और नमक। तो अब मैं इसको सब चीज़ों को अपने मिक्सर जार में डाल लेती हूँ। मैंने अपना धनिया अपने जार में डाल लिया है। अब मैं अपनी कटी हुई मिर्च और अदरक इसमें ऐड कर लेती हूँ, एक छोटी चम्मच नमक, एक छोटी चम्मच अमचूर पाउडर एंड द मेन पार्ट ऑफ रेसिपी। हम इसमें डालेंगे 1 या 2 आइस क्यूब। इससे हमारी चटनी काली नहीं पड़ेगी और एकदम हरी और बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर तैयार होगी। अब मैं इन सबको एक पीस लेती हूँ, एक फाइन पेस्ट बनाकर पीस कर तैयार है, और एक बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ, बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर। अब इसको हम अपने ग्लास के अंदर निकाल लेते हैं। देखिए हमारी ग्रीन चटनी बनकर तैयार है और एकदम लाइट ग्रीन कलर में। और आप ये सीक्रेट तरीके से चटनी बनाइए और आपकी चटनी काली नहीं पड़ेगी। और मेरी वीडियो को ट्राई ज़रूर कीजिए, ताकि आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट भी करिए, और मेरा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द इजी और टेस्टी रेसिपी के साथ पहुंच सके।